पुष्पी, तूने तो कहा था कि बहुत घरेलू है, नौकरी नहीं करती। अब देखिए, तुम दोनों सास बहू ने मिलकर हमें धोखा दिया, झूठ बोला हमारे सामने। 20 साल पहले भी तूने यही किया था, हमारे घर परिवार के कायदे कानून तोड़कर तूने नौकरी कर ली थी, और 20 साल बाद भी तूने वही किया, अपनी बहू से नौकरी करवा के। आज तूने जो किया है ना, उसके बाद हम तुझसे बात तो क्या, मरते दम तक तेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। ऐसे मत कहिए बुआ जी। ए फटाका मातारी। जी जी फटाका मातारी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपने जो देखा वो गलत देखा। मतलब ये जो 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 ये यहाँ पर ये जो है एटम बम, वो आपकी बहू है ही नहीं, ये है आपकी बहू की जुड़वा बहन करीना। जुड़वा पुष्पा? हाँ, एकदम जुड़वा बहन, कट टू कट, सेम टू सेम, डुप्लीकेट, बिल्कुल सेम। जैसे दोनों, मैं भी सिर्फ बात में आई थी तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, पर जो बहू है वो घर पे है, ये इधर उसकी बहन है करीना। हाँ बुआ जी, हाँ ये दोनों जुड़वा बहन है, करिश्मा और करीना। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बात ही नहीं निकली ना बुआ जी, अगर बात निकली होती तो हम जरूर बताते आपको। इसमें छुपाने जैसा क्या है, है ना छुपाने जैसा क्या है? एक घर पर, एक यहाँ सर पर। सीनियर है ना, तो सर पर ऐसा ऐसे आ रहे थे हम। तो बात यह है कि पंडित जी ने पहले हमें इन्हीं का फोटो दिखाया था लल्ला के साथ शादी करने के लिए, मगर हमने उसको चुना। जिंदगी में पहली बार इससे कोई सही काम किया है। ए लड़की, ये सच बोल रही है? झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम ही करिश्मा सिंह है, यही सच्चाई है। हम पुलिस का नौकरी करते हैं और ये सच्चाई बदलने वाली नहीं है। जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। छी 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 छी, क्या भाषा है इस लड़की की, ये हमारी छोटी बहू हो ही नहीं सकती है। मुंह बिल्कुल कड़वा हो गया, और कहते हैं कि जब मुंह कड़वा हो जाए ना तो मुंह मीठा कर लेना चाहिए। चल पुष्पी, घर जाकर छोटी बहू से मिलते हैं, फिर अपना मुंह मीठा कर लेते हैं। चल। अरे अब क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर बुआ होगा। है एक सेकंड। नहीं मैडम, मैडम वो घर पर गई है आपसे मिलने के लिए, आप यहाँ हो, उन्हें पता चल जाएगा कि पुष्पा जी ने झूठ बोला है। यस, सब इस बड़बोली की वजह से हुआ है। तुमको कौन जरूरत है इतना बड़ा झूठ बोलने का? हाँ छी, एहसान बड़ा मोश, बेगैरत लोग। हमें कोई और झूठ बोल देती, करीना है, भरीना है, टरीना है, क्या तुमने नया लगा? चल। अरे वो सब छोड़ो, उस वक्त मेरे को जो सा लगा अपनी लाइफ में, जो डुप्लीकेट का स्टोरी चल रहा है वही मैंने चिपका डाला, इसके लिए बोल दिया। अभी और क्या कर देंगे? ये क्या कर रही हो तुम? जाना घर पे, अभी बचा सिचुएशन संभाल। जा चाय लाना रे, बहुत काम किया आज। अरे भैया तेज चलाओ ना, कितना स्लो चला रहे हो। तुझे क्या हुआ, तू क्यों टेंशन में? हम? हाँ। अरे कहाँ बुआ जी, कुछ नहीं। अरे एक काम करो, आप लेफ्ट से ले लो, वहां से शॉर्टकट है। हाँ शॉर्टकट है। नहीं नहीं भैया जी, वहां से मत चलना, वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बुआ जी, हमारी कमर तो गई है, आपकी भी चली जाएगी। अरे कोई बात नहीं, हम दवाई खा लेंगे। भैया आप क्या सुन रहे हो, जल्दी से चलाओ ना। एक मिनट। हम खोलते हैं, चल चल अंदर आ। बुआ जी सुनिए तो, बुआ जी रुकिए तो, बुआ जी सुनिए तो, बुआ जी सुन। क्या हुआ? यही है हमारी लाडली बहुरानी। तो यही होगी ना, घर की बहुरानी घर में ही होगी, इसमें इतना फुदकने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं बुआ जी, बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि
हम दोनों में इतना प्यार है ना आपस में कि जब भी इसे देखते ऐसी अंदर से चीख निकल आती है हमारी. क्या हुआ? अरे उठा दिया. कुछ 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 हुआ? नहीं नहीं नहीं, तुम सो जा सो जा सो जा सो जा. आइए चल उसको आराम करने दीजिए. एक मिनट, कंबल हटाओ. जी कोई गलत. हटाओ ना कंबल. अरे हटाओ ना, बुआ जी इतना कह रही तो हटाओ. जी कुछ कुछ हमसे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हमसे कुछ गलत हुआ क्या? नहीं कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं हुई है. नहीं आप काफी गुस्से में लग रही हैं. तो वो करीना, करीना मिली ना थाने में इनसे, तो इसलिए इनका मूड थोड़ा सा खराब हो गया है. हाँ तुमको तो पता है वो कैसी नकचड़ी है, बदतमीज है, ना बड़ा दिखती है ना छोटा, बस जबान जो है वो कैची की तरह चलाती रहती है. तो बुआ जी के सामने भी दुनिया भर का बकवास करने लगी, तो इनका मूड थोड़ा सा खराब हो गया है. बुआ जी वो बचपन से ही ऐसी है, उसकी बात का बुरा मत मानिए. हम उसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते, माफ कर दीजिए. देखा, एक ही घर में पली बड़ी दो लड़कियां, लेकिन कितना फर्क है. माफी तो क्यों मांगेगी, माफी तो ये मांगेगी. सो रही थी और तूने उठा दिया ना उसे बेचारी को. चल माफी मांग और बाहर आ जा. बुआ जी हम आ रहे हैं. अरे बुआ जी हाँ क्या? सुनो क्या बदतमीजी है ये. बुआ जी खड़ी रह के बात कर रही थी ना, खड़ी होकर बात नहीं कर सकती थी उनके साथ? देखिए ऐसे बात करते, ऐसे बात करते उनसे. हाँ नीचे कीजिए, बुआ जी देख लेंगे. और हाँ आप इतनी जल्दी यहाँ पहुंचे कैसे? जब पीछे आग लगती है ना तो रॉकेट फुर्क करके उड़ जाता है. आग जो आपने लगाई है और जो उस उर्मिला ने लगाई है ना, वो आग लग चुकी है. और हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये जो रॉकेट उड़ा है ना, कि कभी लैंड नहीं होगा जिंदगी में. टाइम ही नहीं मिला, देखो हम जूते पहन के चढ़ गए. कहाँ रह गई? जल्दी बाहर आ. हाँ बुआ जी आ रहे आ रहे. हम इस झमेले का पता नहीं, यहाँ तो फंस ही चुके हैं हम. लेकिन ये मंजू, इसका हम केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. दोनों तरफ कैसे बैलेंस करेंगे हम? चिकिचिक सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए. आपको ऐसा लगता है ब्लॉक कर दिया आपको? देखिए हम क्या क्या झेल रहे हैं आपकी वजह से, हमारी वजह से. और हम इतने सालों से जो आपको झेलते आए हैं उसका क्या? हम हर बार हमें क्या किया आपने ये उर्मिला जी? आपके चक्कर में उनकी लाइफ एकदम गोलमाल की तरह हो गई है. अरे क्या रे चंतु? चंतु चीता और संतु. देखो अभी मैं नॉन पुलिस वाली होके पुलिस वाले का एक्टिंग कर सकती है, वो भी एक नंबर. तो क्या तुम्हारी करिश्मा मैडम पुलिस वाली होके नॉन पुलिस वाले का एक्टिंग नहीं कर सकती? और वैसे भी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो अभी बोलने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है. आपको पता है करिश्मा मैडम को झूठ से कितना ज्यादा नफरत है? नफरत उसको रिश्वत से भी है, फिर भी देती है ना दिन का 2000 मुझे. मुझे उस बेचारी मंजू के लिए टेंशन हो रही है, उसका तो भरोसा उठ गया होगा हमारे थाने से. उठ गया है संतो जी, सबका नंबर ब्लॉक कर दिए हो. कहाँ छुप के बैठे हो, बाहर निकलो. अगले चौराहे पे छोड़ दूंगा, एड्रेस बदल दूंगा, बाहर निकलो. रे महिषासुर का जीजा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रे शराब पीकर यहाँ पर आने का? ए निठल्ले निखल्ले निखल्ले, ए तू वापस आ गया? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है. किससे बतियाना है तुमको? उनसे बात करनी है जिन्होंने मेरी माँ का केस सॉल्व नहीं किया है. एक सेकंड, आपकी माँ का तो स्वर्गवास हो गया ना, तो फिर कौन सी माँ कौन सा केस? संतोष जी लौटे. संतोष जी कुछ दिन पहले बिल्लू की जिंदगी में माई माँ मंजू जी नहीं है, वो बिल्लू का माँ है. माँ उस माँ का केस सॉल्व नहीं किया है. 24 घंटे दिए तुम पुलिस थाने वालों को, 24 घंटे के अंदर अंदर ये केस सॉल्व होना चाहिए. अगर नहीं हुआ
तो ये महिला पुलिस थाना फूंक डालूंगा, जला डालूंगा। बिल्लू जी, ये ही महिला पुलिस थाने में आपका बिल्लू निवास भी है, जलाओगे? तो उतना एरिया छोड़ दूंगा, बाकी जला डालूंगा। चला। मैडम सर, आज मैडम सर होती तो मैडम सर ये केस सॉल्व कर देती। मैडम सर मालूम किसी को ना उम्मीद नहीं करती, मायूस नहीं करती, लेकिन आज मैडम सर नहीं है तो ये केस सॉल्व कैसे होगा? 24 घंटे दे रहा हूँ, ये केस सॉल्व होना चाहिए। अंदर जा। केस सॉल्व करो। हाँ। देखो केस सॉल्व नहीं हुआ तो मैं ये मेला पुलिस थाने की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा। बिल्लू दसपाया का वादा है। कोई नहीं, ड्रामा खत्म, चलिए अंदर। बिल्लू जी, ए नाला का नेवला, इधर सुनो, क्या कर दिया तुम? इंसाफ जरूर मिलेगा बिल्लू, वो भी 24 घंटों के अंदर अंदर, ये हमारा वादा है। अच्छा, ये तेरी बहन? जी। क्या नाम है उसका? करीना। हाँ, करीना। शादी हो गई उसकी? नहीं, वो समय नहीं है ना उसके पास, वैसे भी भरी हुई बंदूक से कौन शादी करे। वो भी तो है, समझाओ उसे, बहन है वो तेरी, गुस्से को काबू में रखे। इसी तरह से चलती रही ना तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। और एक तू है, कितनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, सच में। वाँ 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 वाँ। जैन मैडम। जैन? ये लोग तुझे क्यों जैन बोलते हैं? तू तो, वो तो तेरी बहन को बोलना चाहिए, तू तो वर्दी में भी नहीं है। नहीं, ये बहुत सम्मान करते हैं उसका, इज्जत करते हैं उसका बहुत, तो हमें भी सम्मान दे देते हैं उसके लिए। तुझ में रब दिखता है, बहना मैं क्या करूँ। बहन जी, थोड़ा कुछ पैसा मिलेगा? किस बात के पैसे भाई साहब? यार, कल आपने जो ग्लास, मेरा मतलब है कि आपके बहन ने जो ग्लास तोड़ा था, उसका जो नुकसान हुआ, उसका पैसा। पर वो तो उसने तोड़ा है ना ग्लास, तो वो ही पैसे देगी ना, हम कहाँ पैसे दे। हम मांगा था ना इन्होंने, तो दिया निकाल के करा रहा। नोट? नहीं, कंटा चाटते इधर। भाई क्या भाषा है इन लोगों की, पैसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इनसे। अरे तो आप दीजिए ना पैसे। अरे आप तुम जैसे नहीं हो ना, आप तो आप है, इंसाफ की आवाज है, दया का भाप है, आप हमारे माई बाप है, दे दीजिए ना पैसे। ये लोग भिखारी से भी ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हैं, दे देना पैसे, अपनी बहन की वजह से अपना नाम क्यों खराब कर रही है। दीदी जी, बुआ सास जैसा आप कहें। जैन मैडम, हम सब्जियां ले लेते हैं। हाँ जी। अरे तुम तो गोमती हो ना? सरिता, तू यहाँ? ये तो मंजू की सास गोमती है, ये एक दूसरे को जानते हैं? मम्मी कहाँ जा रही? चलो कुणाल, चलो बेटा। एक सेकंड, आप लोग जा रही हैं? आप लोग खटिए यहाँ। नहीं नहीं, चलिए चलिए अंदर चलिए, आप बात कर लीजिए दो मिनट, फिर जहाँ जाना है चले जाइए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला कि मुझे अब आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। मम्मा, मुझे घर छोड़कर नहीं जाना, और कोई रास्ता नहीं है कुणाल। आई एम सो सॉरी, हम ऐसे नहीं जी सकते, और वैसे भी हम इस तरह थकते थकते जी चुके हैं। एक मिनट, आपके कहने का मतलब है इस तरह से आप जीते जीते थक गई हैं? हाँ भाई, हटिए आप लोग यहाँ से। मंजू, एक सेकंड, हम तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं तुम्हारी मदद करने। देखिए मैडम, बहुत देख ली आपकी मदद, नहीं चाहिए आपकी मदद, अब जो भी करना होगा मैं खुद कर लूंगी, आप हटिए यहाँ से। एक सेकंड प्लीज, हम जानते हैं आप इस तरह से खुश नहीं रह पाएंगी, राइट? क्या फर्क पड़ता है, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मेरे और मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए जो भी ठीक लगेगा वो मैं करूंगी, और वैसे भी अपनी लड़ाई इंसान को खुद लड़नी पड़ती है, और आप लोगों पे तो मुझे कोई भरोसा है नहीं, तो बेहतर होगा तो हट जाइए आप लोग यहाँ से। लेकिन आप नहीं, आप प्लीज, आप चलो, सुनिए तो सही आप। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता तेरा, कल तूने मेरी बहू को समझाया ना, उसके सर पर से नौकरी का भूत उतर गया, अब वो वही करेगी जो मैं चाहूंगी। अरे बहू तो वैसी ही होनी चाहिए जो सास के आदेश को भगवान का आदेश माने। हाँ, अब देखो
यहीं पर है मिसाल, ये हमारी छोटी बहू है। हम जो कुछ भी कहते ना, पत्थर की लकीर समझकर मान देती है। कभी मिलवाना तुम्हारी बहू को हमारी बहू से, उसे पता चल जाएगा कि बहू क्या होती है। करिश्मा नमस्ते करो। नमस्ते। ये हाँ? अरे ये तो पुलिस वाली है, इसी ने मेरी बहू को भड़काया था और इसी के भड़काने पे आके मेरी बहू पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई थी हम लोगों के खिलाफ। घर उजाड़न कहीं की। अरे खा गई ना धोखा तुम भी। अरे ये वो नहीं है, वो तो उसकी जुड़वा बहन है करीना, और ये हमारी संस्कारी बहू है करिश्मा। क्या बात करती है। सच में हमने पिछले जन्म में मोती दान किया होता तब हमें ऐसी बहू मिली है। हे बाप रे, ये कितना टाइम। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। ये उर्मिला ना मैडम सर की बॉडी डबल है, इसको ना सिर्फ डंडा चलाना आता है, दिमाग चलाना नहीं आता। कोई बात ना, अभी जिंदा है बिल्लू द स्पाई। तुम बात सुन लो, दो मिनट देखो प्लीज, हमारी बात मानो। इस तरह से भाग जाना कौन सा तरीका है? हाँ। भागना तो सिर्फ एक कायरता की निशानी है ना, घर से चले जाओगे क्या हो जाएगा। देखे इन फायदों की अब कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। मेरी सास ये डिसाइड कर चुकी है कि मेरे हस्बैंड जाएंगे सब्जी मार्केट लेने, और वैसे भी उससे पहले कि मैं जाऊं, मैं चाहती हूं मेरे हस्बैंड लौट आए। नहीं 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 नहीं, थम थम थम, तू पहले ये बूझो तो जाने। एक सेकंड, आपके कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी बातों का कोई फायदा नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप जा रही हैं, आपके हस्बैंड जो है बाहर काम से गए हैं और आपकी सास जो है बाहर सब्जी ले रही है, उनके लौटने से पहले आप घर छोड़ के भागना चाहती, ये आपके कहने का मतलब है? देवा हाँ हाँ, इनसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बिलो द स्पाई ऑन मिशन। अभी मुझे जाने दीजिए। अरे रुको 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 रुको, आप एटलीस्ट एक मौका तो दो हमें आपकी मदद करने का। देखिए मुझे जाने दीजिए। नहीं आप प्लीज मौका दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, भरोसा कीजिए पुलिस पे। पिज्जा डिलीवर करने आए इधर। तो आप पुलिस से तो चोर को पकड़ी ना, मेरा बैग लेके भाग गए। हाँ हाँ पकड़ पकड़ कर चल लो। चोर 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 चोर, अच्छा अच्छा चोर। ओह अरे रुको रुको चोर। सर्तुजी ठीक तो है ना? क्या अरे एकदम ठीक है, थैंक यू। अरे ये तो आपके थाने का चोर है ना। देखिए आप लोग ना बहुत गलत कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ना ये कंप्लेन ऊपर से जाके कमिश्नर करूंगी। अरे क्या बोल रही है, कंप्लेन ऊपर जाके कमिश्नर कर दूंगी। इनके कहने का मतलब है कि कमिश्नर के पास जाएंगी और एक एक की कंप्लेन करेंगी, राइट? हाँ सॉरी, ठीक है मुझे नहीं चाहिए मेरा बैग, मैं जा रही हूँ। अरे अरे पकड़ रहे मामा, बच्चा बच्चा बच्चा, बैठ इधर बैठ इधर। कब से देख रही हूँ कब से सुन रही है मैं तेरा पिटर 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 पिटर, एक ही जगह तेरा रिकॉर्ड कटक गया है। जाने का है जाने का है जाने का है, अभी इधर बिठाया है अभी इधर, चुपचाप बैठने का, मुंह से एक भी आवाज निकली ना तो कान ना करेगा। मैडम सर तो बस चुपचाप बैठो इधर। ए टकले हथकड़ी लेकर आ, मत लाओ हथकड़ी बिलो। अरे गप बस क्या कर रही हो तुम? ये फरियादी है, मुजरिम नहीं है, इसे ऐसे बांध कर नहीं रख सकते। अरे ये फरियादी नहीं है, ये बर्बादी है। अगर इसे कब तक यहाँ ऐसे रखे, जिंदगी भर? चुप जा, सोचने दे मेरे को। आप लोग ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, जाने दीजिए मुझे। अरे क्या रे, बोला ना तेरे को एक बार चुप बैठने का तो चुप बैठने का फिर। ए चिकने चीता चतुर्वेदी चीता, इसके सास और इसके पति को बुलाइए थाने अभी इमीडिएटली। हाँ ठीक है ठीक। आप कर क्या रही हैं, करना क्या चाहती हैं? जी वो क्या है ना कि सूर्योदय से पहले हम उठ जाते हैं, फिर तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, फिर हम रसोई में चले जाते हैं घर वालों के लिए खान पान, फिर इतने में शाम की संधन पूजा का वक्त हो जाता है ना, तो समय ही नहीं मिलता है हमें। वाह कितनी संस्कारी बहू है तेरी, और एक मेरी वाली है,
उसके सिर पे तो नौकरी का भूत सवार है। अरे एक औरत का जीवन बना हुआ है घर परिवार संभालने के लिए, वो नौकरी चाकरी के चक्कर में पड़ी रहती है। वही तो, एक बार बहू ने घर से बाहर कदम रखा नहीं कि समझो के हाथ से निकली। एकदम सही कहा। तो हेलो जी, गोमती जी बोल रही हैं? हाँ बोल रहे हैं, आप कौन जी? हम चीता चतुर्वेदी बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना से। अम्मा अम्मा एक मिनट, फिर कर दी गड़बड़। हेलो, हाँ क्या हुआ? सबकी बोलती बंद करके रख दी आपकी लाडली उर्मिला ने। पता है आपको क्या हुआ है यहाँ पे? बेचारी मंजू को वो धोखे से यहाँ लेकर आई है। क्या? हथकड़ी लगाकर कुर्सी से बांधकर बिठा के रखा है बेचारी को। ऐसा किया का है उसने? किसी को पता भी होता है उसके खुराफती दिमाग में क्या शैतानी चल रही है? पता नहीं क्या सोचकर ऐसी उठपटांग सी चीजें कर रही है वो। सुनिए, इससे पहले कि वो और कुछ नया बवंडर खड़ा कर दे, आप जल्दी से थाने आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। जय हिंद। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे पुलिस थाने में चली गई है मंजू। चल हम भी चलते हैं तेरे साथ थाने। हाँ हाँ चल चल, शायद तेरे समझाने से फिर से वो समझ जाए। अभी उर्मिला ने कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, ये लोग भी थाने जा रहे हैं, अब क्या करें हम? ऑटो ऑटो, रुको रुको रुको, चलो 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 चलो। माँ देखो, मेरी नई नईली माँ को बांध कर खुद शोली की गब्बर बनी टहल रही है। ये मंजू के घर वाले आ जाएंगे, प्लान का कोई ठिकाना नहीं है, चलते चलते पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। थाना में अपराध कर रही है, अपहरण करके लाई है, पचुआ भी बैठा हुआ है। बाबू लेमन जूस वगैरह कुछ खाओगे? नहीं, ठीक बैठो। बस एक बार करिश्मा जी यहाँ आ जाए, वो अच्छे से नकेल कस के रखेगी बिगड़ी घोड़ी की। यहाँ माँ से बात करनी है। इसको तो जहर चटा देना चाहिए। आइडिया क्या? क्या? बस 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 बस, यहीं रुको यहीं रुको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैडम पैसा? अरे बाबू सॉरी 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 भैया, हम भूल ही गए, हमारे दिमाग से निकल गया। ये पैसा कहाँ गया हमारा? ये पैसा दो इनको, पैसा दे दो। कौन सा पैसा? देखो ऐसा दिमाग का चूरन करने का भी जरूरत नहीं है, अभी बहुत काम करना है हमको अंदर, समझे? इनका पैसा दो, ये आपको पैसा देंगे, ठीक है? ओए! अरे कौन से पैसे, कुछ याद नहीं आ रहा है। अब आया याद या याद दिलाए दोबारा? अच्छा वो पैसे अब दे देंगे। कैसा लगा ये? अब ये क्या नया बवाल है? ये खोलो से, खोलो, हमने कहा इसे खोलो अभी। तेरे को ना इसे सीरियसली लेना बहुत मुश्किल है। अरे पर मेरे को एक बात बता, एक सेकंड, तेरे को कौन बता रहे कि इधर क्या चल रहा है? ऐसा है कि वो हम तुमको बताना जरूरी नहीं समझते हैं, समझी? तुम इनको खोलो अभी के अभी, खोलो। तसल्ली से मेरी बात तो सुन ले। नहीं सुनेंगे हम, कुछ नहीं सुनेंगे, इनको अभी खोलो। हम पुलिस वाले हैं या हम किडनैपर है जो हमने इनको ऐसे चोरों की तरह बांध के रखा हुआ है? देख रही है मैडम क्या ऑफिसर मचा रखा है इस धांधली ने? मैं इस ऑफिसर ने धांधली मचाई है। खोलो खोलो, चलो चाबी दो, चाबी दो। किसके पास है चाबी? हाँ मेरे पास चाबी है, मेरे पास एक प्लान भी है, लेकिन पहले मेरा प्लान सुनने का। अम्मा नहीं सुनना है ना, नहीं सुनना। देखा कैसे अच्छे खासे पुलिस थाने को गुंडे बदमाशों का अड्डा बना के रख दिया इसने। हाँ हम कर ले अब। चाबी दो, चाबी दो। नहीं नहीं, पहले मेरा प्लान सुन ले फिर मैं खोल देगी। किडनैपिंग एक सीरियस ऑफेंस है, चाबी दीजिए आप। चाबी दीजिए, चाबी दीजिए। हमको छोड़िए, हमको छोड़िए, हमको छोड़िए, हमको। यहाँ सुनिए, यहाँ मेरी माँ को किडनैप किया है एफआईआर लिखो इनके खिलाफ। लाओ चाबी दो, चाबी दो। अरे दीजिए उर्मिला, चाबी दो। चुप, एवरीबॉडी शट अप। अब किसी ने एक शब्द भी और कहा तो हम उसे थाने के बाहर कर देंगे। तुम्हारा क्या नया ड्रामा चल रहा है तुम्हारा? हाँ करिश्मा सिंह, हम आपके सीनियर हैं, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए आप कहती चली जाए। So, इसलिए everybody shut your mouth and listen to my plan, clear?
इतना अंग्रेजी क्या रे तुम लोग, थोड़ा दो सेंटेंस क्या हसीन दिलरुबा के स्टाइल में बोल दिए तुम सबका तंबू बंबू हो जाता है। अभी फटे हुए मुंह लेकर आओ और प्लान सुनो। आओ आओ, आओ चलो। कर लो, समझा? आपको क्या लगता है ये काम करेगा? दुनिया में अगर कोई प्लान है तो यही एक प्लान है जो काम करेगा। फटाकड़ी चाची, पैसा? पैसा? ओए, इधर आओ, रिक्शे वाले को पैसे दो। देखिए माँ जी, गारंटी के साथ कर रहे हैं, एक रुपए नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं, पूरा कंगाल हो चुका हूँ मैं। क्यों, पैसे नहीं है? हाँ, अभी मैंने छोटी बहू से थोड़ी देर पहले ही पैसे दिलवाए ना। माँ जी, लेकिन वो तो पैसे पूरा खर्चा हो गया। खर्चा हो गया? देखा इकबाल है, हम तो रोज देखते हैं। क्या ये मैडम? मैडम संतोष जी गजब लग रही है, गजब लग रही है मैडम। इनकी सास आ रही है, साथ में आपकी बुआ सास भी है। आप जाइए जाइए, जल्दी कपड़े बदल के आइए, जाइए। ये क्या किया आप लोगों ने? योगेश तू यहाँ? हाँ माँ, आपको भी बुलाया क्या? हाँ। अरे भाई, हमें कोई बताएगा कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? और ये मंजू यहाँ क्या कर रही है? हथकड़ी लगी है। अरे सब कुछ वो अड़ियल घोड़ी का किया कराया है, हमारी छोटी बहू की जुड़वा बहन, उसी ने सब कुछ किया होगा। बुलाओ, कहाँ है वो करीना सिंह, हमें बात करनी है उससे। उनका किया धरा नहीं है, ये हमारा किया धरा है। हम ही ने इन्हें यहाँ पर ऐसे बांध कर रखा है, पकड़ के रखा है। पूछो क्यों? क्यों? काहे के लिए घर छोड़ के जाने वाली थी हमेशा हमेशा के लिए अपने ये छोटू को साथ लेकर। हाँ, इसलिए तो मैंने इसको इधर बांध के रखा है। अभी समझाना, समझाना कि मैं किसकी तरफ है, तुम लोग की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इसे यहाँ लेकर आई। बेटा योगेश, चल इसे घर लेके वापस चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और जबरदस्ती करोगे ना तो फिर घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे मंजू, लेकिन तू ऐसा क्यों करना चाहती है? अपने सुखी परिवार को क्यों छोड़ना चाहती हो तुम? मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। अरे एक मिनट, इस छोटी सी समस्या का हमारे पास एक बहुत अच्छा सलूशन है, ठीक है? क्या? अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे हो गया ना आप दोनों का जन्म जन्म का साथ, अब ये छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये क्या मजाक है मैडम, खोलिए इसे। एक सेकंड, बहुत भागने का शौक है ना, भाग कर बताओ अभी। गजब गजब, कितना बेहतरीन हो गया, आप दोनों लोग का कलाई एक साथ बंध गया, आप दोनों लोग जुड़ गए। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, ऐसा हो सकता है? प्लीज छोड़ दीजिए ना, मैं घर करती हूँ, वादा छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, माँ का कहने का मतलब है कि पता है सबको तुम्हारी माँ के कहने का क्या मतलब है, एक तो औलाद होकर तीन दर्जन माँ पैदा कर दिया है। माँ, एक मिनट, हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? अरे मैं सच ही बोल रही हूँ। तो सबूत दिखाना होगा। सबूत? कैसा सबूत? तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे, बिना किसी चिक चिक के, बिना कोई पिटर पिटर किए, सारे काम अच्छे से। बोलो मंजूर, बोलो मंजू। मंजूर है? गजब। मंजूर है? जी हाँ। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड, खोल दो। अरे क्या खोल दो, ऐसे नहीं चलेगा, उसे सबूत देना होगा। गोमती, कुछ ऑर्डर दो, समझो कि तुम घर पर हो और कुछ करने को कह रही हो, फिर देखते हैं ये क्या करती है। हाँ, ये सही कहा तूने। और तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा, हम दोनों के लिए दो कप चाय बना के ला, वो भी अदरक वाली। अलग से नेता देना पड़ेगा क्या तुझे? जा। जी माँ जी। अरे ये हथकड़ी तो खोलो कोई। चल। क्या बात है, लेकिन सिर्फ चाय से क्या होगा, नाश्ता भी तो खाते हैं ना चाय के साथ। और नहीं तो क्या,
सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सब कौन बनाएगा? इसी को तो बनाना पड़ेगा सब कुछ। हाँ हाँ बरोबर बरोबर बिल्कुल बरोबर। चलो नाश्ता बनाते हैं। अरे क्या नाश्ता, अरे भाई मेरे को क्या ना चाहिए, इतना क्या बनाऊंगी। हमारे छोले भटूरे? हाँ मैं अभी छोले भटूरे बना रही हूँ। छोले भटूरे ये टेबल बहुत गंदी है, पहले टेबल साफ कर लो, इसको कैसे रखें? हाँ सही बात है, साफ सफाई का, झाड़ू पोछे का, बर्तन का, ये काम भी तो घर की बहू को ही करना पड़ता है, कोई और आकर तो करेगा नहीं। हाँ उसके बाद से आपको अपने सासू माँ का पैर भी दबाना है, सर भी दबाना है, गला भी दबाना, बाबा मतलब सर में तेल लगाना है, और ये सब खाना वाना खिलाना है, दूध पिला के सुलाना है इनको। हाँ और ये अपना ब्रो, इसको लोरी भी सुनानी है। हाँ हाँ इनफैक्ट ये सब बजाने के बाद रात को सोने से पहले रात के बचे हुए बर्तन, कूड़ा करकट सब बाहर निकाल के रखना, सब खिड़की दरवाजे बंद करना, ये सारे काम भी घर की बहू को ही करने पड़ते हैं। और काम कराइए। ए बस्ती करो, कितना काम कराओगे एक इंसान से? अरे माँ थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो, इसका हाथ बटा लिया करो, आफत थोड़ी ना आ जाएगी, इसका काम इसका हाथ बटाओगी तो इसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा मुझे कह रहा है खुद तो एक गिलास पानी लेके पीता नहीं है, सारा काम बहू से करवाता है। तू तो उसका पति है ना, तेरा भी तो फर्ज बनता है कि वो ऑफिस से थकी हारी आई है उसका सिर दबा दे, घर के कामों में उसका हाथ बटा दे। पर नहीं, तू तो मुझे समझाने आएगा ना? नहीं 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 गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ये शादी करके आई थी, ये घर की बहू बनकर आई है, इसी ने बच्चा पैदा किया है, तो सारा काम अकेले करने की जिम्मेदारी भी इसी की। जब तक हाथों से खून नहीं आ जाता तब तक सारा काम ये सिर्फ खुद ही करेंगे। अरे बस भी करो, अभी कोई काम नहीं कराएगा, एक तो थक के ऑफिस में से आता हूँ और आप लोग ये सब कर रहे हो। अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं आप लोगों में? आप में है नहीं, ये दो चार काम करके आपकी हालत इतनी खराब हो गई, इतने परेशान हो गए, आप शायद भूल रहे हैं आपकी वाइफ जो है डेली इतना काम करती है। हाँ और अभी आपके अंदर जो एकदम पत्नी व्रता, जिम्मेदार पति जाग रहा है, अब तक कहाँ सो रहा था? खुद पर बीती तो इतने समय तिलमिला उठे, ये सोचिए कि यही कैफियत आपकी बीवी को रोज होती है। यहाँ परेशानी बांटना तो छोड़ो, पूछना तक नहीं होता, बताइए। सही कह रहे हो आप लोग, मेरी ही गलती है, ये दिन भर इतना काम करते रहती है और इसके सेक्रीफाइस को मैं फर्ज समझकर नजरअंदाज करते रहा। सच कहूं तो मंजू मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूं, माफ कर दो मुझे, मैं इंसान कहलाने के ही लायक नहीं हूं। गनीमत है आपको इस बात का एहसास तो हुआ। चीता खोल दो इन्हें, ये लो। हो गया। इसी बात का एहसास हम आप सबको करवाना चाहते थे, इसलिए हमने छोटा सा नाटक किया। घर की सारी जिम्मेदारी अकेली औरत पर ही क्यों? क्या घर आपका नहीं है? क्या ये बच्चा आपका नहीं है? तो फिर सारा काम वो अकेली ही क्यों करे? अगर जिंदगी बांटी है ना तो जिम्मेदारी आप ही बांटिए, सुख दुख भी बांटिए। एक अच्छे पति बनकर उसे एहसास दिलाइए कि आप उसके साथ है। घर संभालना, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालना उस अकेले का फर्ज नहीं है, सबका है। तजुर्बा कहता है हमारे कि अच्छा जीवन साथी सिर्फ वो नहीं जो जिंदगी भर साथ निभाए, अच्छा जीवन साथी वो है जो जिंदगी को प्यारी बनाए। गोमती इनकी बातों में मत आना, सिर्फ शब्दों का माया जाल है। एक औरत का जन्म सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए होता है, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। और जो भी औरतें
बेमतलब के अपने सपने पूरे करने के लिए घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है, उसकी हालत ना ये पुष्पा जैसी होती है। उसने भी यही किया था, नौकरी के लिए ससुराल वालों के साथ हमारे साथ बगावत की थी, और क्या हुआ इसका, 20 साल तक किसी ने उसका मुंह नहीं देखा, इसका बहिष्कार किया, किसी ने उससे बात नहीं की थी। ये हालत होती है ऐसी औरतों की। बुआ जी प्लीज, आज आप कुछ नहीं कहेंगे पुष्पा जी के बारे में। सुनिए नहीं पुष्पा जी, आज आप हमें बोलने दीजिए, आज हम चुप नहीं बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बुआ जी हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और उस सम्मान में बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप हमको मजबूर कर रही हैं। इन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ अपने घर का जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाया, पूरे दिल से निभाया, अपनी कमर तुड़वाई काम कर करके अभी तक इनके घुटनों में दर्द होता है, वो सब किया लेकिन आज तक एक चू नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। काहे? ताकि उनके घर में जो है ना वो सुख शांति बना रहे, घर में खुशियां बनी रहे, अपने पति के ससुराल में खुशियां बनी रहे, इसलिए आज तक इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और आप कह रहे हैं इनका बहिष्कार होना चाहिए? बहिष्कार उन लोगों का होना चाहिए जो ऐसा सोच सकते हैं कि घर का काम जो औरतें करती हैं वो बाहर का काम क्यों करें। क्यों ना करें भैया, सबको हक है अपनी जिंदगी जीने का अपने हिसाब से। बस बस बहुत हो गया, तेरी जुबान ना जो कैंची जैसी चलती है ना, इसीलिए हमारे छोटे लल्ला ने तुझे पसंद नहीं किया और तेरी बहन करिश्मा जो घरेलू है संस्कारी है उसे पसंद किया। और वैसे भी ये तो किसी के घर की बहू होने के लायक ही नहीं है। यही करिश्मा है बुआ जी। यही करिश्मा है बुआ जी। क्या? कोई जुड़वा बहने नहीं है, यही करीना है, यही करिश्मा है, यही घर पर आपके पैर दबा रही थी और यही यहाँ थाने में गला दबा देगी। लॉलीपॉप खाओ, आपसे ये सब कह रही है। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपसे झूठ बोला, मगर इस बात के लिए जरा से भी शर्मिंदा नहीं है कि हमारी बहू काम करती है, बल्कि हम तो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी बहू काम करती है। वो पुलिस में है, देश और समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक बात बताएं बुआ जी, हमारी बहू ने हमेशा हमेशा अपना घर और अपना काम बहुत अच्छे से संभाला है। जब ये घर पर होती है तो लगता भी नहीं कि ये बाहर भी काम करती है। वैसे ही जैसे आपने कभी हमें अपना बहू नहीं बेटी समझा है, कभी भी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि घर का पूरा जिम्मेदारी सिर्फ हमारा है, आपने हर कदम पे हमारा साथ दिया है, मतलब हमें ये माँ की तरह रखा है। हमारी माँ भी हमें ऐसे ही रखती थी, वो कहती थी कि कुछ काम तुम कर लो कुछ काम हम कर लेते हैं, मिल बांट के सारा काम हो जाएगा, और जब मिल बांट के काम करते तो वो जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं लगती, वो खुशी लगती है। धन्यवाद पुष्पा जी हमें ऐसा माहौल देने के लिए। ऐसा कहते हैं जिस घर में औरत को पूजा जाता है वहां साक्षात देवता वास करते हैं, बहुत भाग्यशाली होता है वो घर। तो फिर हम कैसे हमारे घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा कर सकते हैं बताइए। ऐसा कहते हैं जिस घर में औरत को पूजा जाता है वहां साक्षात देवता वास करते हैं, तो फिर हम कैसे हमारे घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा कर सकते हैं बताइए। गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम शायद ये भूल ही गए कि जो बहू घर में आती है वो भी देवी का ही रूप होती है और उसका आदर होना ही चाहिए। 20 साल लग गए पुष्पी हमें ये समझने में, आज हमारी दोनों बहुओं ने हमारी 20 साल गहरी नींद को खोल दिया है।
धन्यवाद बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना। बुआ जी, नहीं नहीं बुआ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप बड़ी हैं, आप हमारी माँ की माँ है, आप ऐसे हाथ जोड़ के हमें नरक पहुंचा देंगी कहाँ? आपके हाथ आशीर्वाद देने के लिए बने हैं, अब वही दीजिए। नहीं नहीं बस, पुष्पी बेटा मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी बहुत ज्यादती की तेरे साथ, माफ कर दे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमारा घर उजड़ने से बचा लिया। आप लोगों के लिए तो ये बनता है। ये तो पुलिस वाली है उस्ताद। अबे तो क्या हुआ, है तो एक औरत ही, और औरत को तो बेवकूफ बनाना और भी आसान है। अरे मैडम ये तो पंचर हो गया। वो तो गई। अरे आप सुनिए होगा मैडम, आप रहने दीजिए, आप वर्दी में हैं तो क्या हुआ, हैं तो आप औरत ही। ये तो पुलिस वाली है उस्ताद। अबे तो क्या हुआ, है तो एक औरत ही, और औरत को तो बेवकूफ बनाना और भी आसान है। अरे मैडम ये तो पंचर हो गया। वो तो गई। अरे आप सुनिए होगा मैडम, आप रहने दीजिए, आप वर्दी में हैं तो क्या हुआ, हैं तो आप औरत ही। मैडम यही मेरी गैराज है, सोनू टायर पंचर शॉप। मैं अभी पंप लेके आया। ठीक है भर दे। ओए कहाँ जा रहा है? मैडम वो पंप लाने। नहीं नहीं पंप की क्या जरूरत है? क्यों, तू तो आदमी है ना, है मुंह से भर। आहा तू आदमी है, तू हर काम कर सके है, तो मुंह से हवा भर पंचर में। मजाक कर रही ना मैडम? क्यों तुम्हारा जीजा है या फूफा हो रहा हमारा, या आर यू बॉय नेक्स्ट डोर जिससे मैं मजाक कर रही हूँ, अटखेलियां खेलूंगी, मजा आएगा मन में। हवा तो तू मुंह से ही भरेगा, पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि थारे अंदर जो मक्कारी की हवा भरी है ना, वो आज मैं निकालूंगी। जो तूने मुंह से टायर में हवा ना भरी, तो तुम्हारी बंदूक में जितनी गोलियां हैं वो मैं थारे में भर दूंगी, मन ने महादेव की कसम। चल और हवा। अरे चलिए चलिए मैडम, हैव गुड नाइट, बाय बाय। नहीं हो रहा मैडम। क्या हुआ, निकल गई हवा? हाँ मैडम। तू तो कह रहा था मर दूं हवा भर दूंगा, अभी इतने में प्राण पखेड़ू उड़ने को तैयार हो रहे थारे।
तो फिर कैसे, मतलब किस मुंह से औरत को चैलेंज कर रहा था भाई तू? कल्पना चावला जी का नाम सुना है? हाँ मैडम। तो जब उनके जैसी औरत चांद पे पहुंच सके तो हमारे जैसी औरत एक टायर ना बदल सके? जी मैडम। औरत के कर सके ना कर सके, के खा सके के पहन सके, मत बताओ आदमियों। और यो मक्कारी किसी भी और के संग करी ना तो ढूंढ के एक एक कील घुसेड़ दूंगी थारे में। मजाक ना कर रही हूं। इब्जा पंप ले गया मैडम, ट्यूशन से लेट हो गया हूँ, अकेले जाने में डर लगता है, मुझे घर छोड़ देंगी प्लीज। तू स्टूडेंट है, बैठ गाड़ी में। थैंक यू। ये तो हालत है। आज हमारे लखनऊ शहर में इजिप्ट की मम्मी लाई जा रही है। ये प्राचीन और दुर्लभ मम्मी एक विशेष अभियान के तहत आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहुंचाई जाएगी, जहां इनका विश्लेषण होगा और फिर पूछी जाएगी कि ये कहां रखी जाएगी, क्या होगा, यहां क्या मम्मी की कमी है। क्या होता था जब पुराने जमाने में, राजा महाराजा के जमाने में कोई मर जाता था ना, तो उसको ना ही जलाते थे ना ही दफनाते थे। एक अद्भुत प्रकार का पदार्थ रहता था, उसका लेप उसके शरीर में लगाकर उसके पूरे शरीर को कपड़ा से लपेट कर ताबूत में बंद करके सुरक्षित रख दिया जाता था, ताकि उसका शरीर जो है एकदम वैसे ही सुरक्षित रहे। जब से ये बात आम हुई है कि हमारे शहर में ऐसी ऐतिहासिक और प्राचीन मम्मी आ रही है जिसकी कीमत करोड़ों और अरबों में है, बहुत सारे नामी गिरामी ठग और चोर इसको प्राप्त करने की जुगत में लग गए हैं, जिससे सरकार के लिए इस मम्मी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पुष्पा जी, क्या हुआ, आप ऐसी टेढ़ी टेढ़ी क्यों चल रही हैं? वो क्या हुआ ना, कल रात एक तो हम बहुत देर तक फोन पे बात कर रहे थे, उसके बाद शायद तकिए की वजह से ना हमारी गर्दन पूरा हाथ अकड़ गया है, नस पे नस चढ़ गई है शायद। सुनो जरा फोन निकालो, नवाब साहब को फोन लगा के दो। सुबह सुबह नवाब साहब को फोन? ये पर्स में रखा है ना। नवाब साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे, और वो भी हमारा, जबकि उनको पता है कि आज के दिन उनको रेंट देना होता है, फिर भी फोन नहीं उठा रहे। कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ हो सकते हैं नवाब साहब? वहाँ है नवाब साहब, देखिए। आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। वो मम्मी हमारी है, हमारी मिल्कियत है, नवाब फखरुद्दीन यानी कि हमारी खानदानी विरासत है वो। पर इस मम्मी से आपका क्या रिश्ता है नवाब साहब? रिश्ता? हाँ जी, क्या सवाल किया है आपने। बहुत साल पहले हमारे अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा के अब्बा, मतलब हमारे अब्बाओं के अब्बा इजिप्ट गए थे घूमने और उनको मोहब्बत हो गई। अरे अब्बाओं के अब्बा को वहाँ की महारानी से, बस। अरे भाई ये हमारी वंशज हुई ना। अरे बस भी करो, आपने कह दिया तो हो गई मम्मी आपकी, इस मम्मी के हम वंशज है। देखिए देखिए ये सब बहस चलती रहेगी। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट श्री बुद्धदेव साहब। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे बुद्धदेव साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐतिहासिक मम्मी हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। इट्स ए नेशनल ट्रेजर एंड इस पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का अधिकार है। बाकी कहने को तो लोग कुछ भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। फिलहाल हम इस ऐतिहासिक मम्मी को हमारे शहर के सबसे सुरक्षित म्यूजियम में रखेंगे। नहीं नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। लेकिन हमने सारे इस कीमती चीज के लिए इस तरह के दावे, वाद विवाद स्वाभाविक है। कौन नहीं चाहेगा कि आज की तारीख के इतने अनमोल, इतने कीमती खजाने का मालिक बने। फिलहाल इसकी कीमत 10 करोड़ आकी गई है। इस 10 करोड़ की मम्मी के लिए एयरपोर्ट पे भी लोगों की भीड़ लग चुकी है, और तो और म्यूजियम के बाहर भी लोगों की भीड़ ने म्यूजियम को घेर रखा है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये मम्मी है ही इतनी अनोखी और लाजवाब। एक तो पहले ये मम्मा इतना महंगी, ऊपर से ये मीडिया वालों ने हर जगह चिल्ला चिल्ला के बता दिया है कि इसका असली कीमत क्या है। अभी कौन सा चोर उचक का ऐसा गोल्डन चांस छोड़ेगा? मैंने ये वर्दी नहीं पहनी होती ना, मैं भी जाती। देखो उर्मिला, एसएस का पूरा जिम्मेदारी जो है ना वो पूरा तत्व विभाग का है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, अभी उनका है तो वो संभाल ले। हसीना मलिक, हसीना मलिक जी कहाँ हैं आप? अरे रिस्पांस रिस्पांस रिस्पांस, हसीना मलिक जी कहाँ हैं? जी एसआई करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग सर, बताइए आदेश दीजिए। आप लोग एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर की दूरी पर हो? सर लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, एक काम करो, जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पर पहुंचो। आप लोगों के संज्ञान में तो होगा इजिप्ट से मम्मी आने वाली थी,
अब पता नहीं ये बात कैसे वायरल हो गई। एयरपोर्ट घेर कर लोग बैठे हैं, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है। जी 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 सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। करिश्मा सिंह, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है। आप फौरन एयरपोर्ट पहुँचिए और मम्मी को दूसरे वाहन से सुरक्षित अपने थाना ले जाइए, और जैसे ही स्थिति नियंत्रण में होगी प्राचीन विभाग वाले मम्मी को कलेक्ट कर लेंगे। समझ गए आप? जी 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 हम समझ गए। इस क्राइसिस में हमें आपसे ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं है। ओवर एंड आउट। जय हिंद सर, ओवर एंड आउट। कायरे देवा, बस बोलने की देरी थी, लगा देना अपने को काम पे। काली जुबान, मैं काली जुबान। अबे इतनी सिक्योरिटी किस लिए? मम्मी के लिए। अबे मम्मी तो ऑलरेडी पट्टी से बंधी हुई है, कौन सी फरार होने वाली है? लोग पीछे जाओ, पीछे जाओ। ऐसा राक्षस छोटा, अरे यार राक्षस है तुम्हारा बेटा। माँ माँ चाय गरम। ए बिल्ले, अरे बदनामी सुन, चाय गरम ही रहता है। अच्छा हाँ माँ। हाँ वैसे मैंने सुना है ये ऐसी डेड बॉडी को जब जलाया नहीं जाता तब तब उस डेड बॉडी की आत्मा खून की प्यासी अपना शिकार ढूंढती है। सुंदर शिकार, जब आत्मा को सुंदर शिकार मिल जाती है तो आत्मा उस शरीर में घुस जाती है। वो आत्मा यही है, यही यही यही। अरे ये कॉफी मैंने खुद पटक दिया था, तुम डरपोक सब भट्टू। हाँ ओ, ये कहाँ चल रहा है ये? हाँ क्या तोपा गिरी है ये? और अरे मैडम चाय देना है तो। इसने बुलाया था, इसने से भाग भाग भाग। भैया कौन, किसने खोला इसको? हाँ किसने खोला, किसका नाम? रे रे बिलोटा रे। हम नहीं नहीं मैडम, नहीं नहीं नहीं, मैंने 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 खोला। तो पा गई हो क्या तुम बिल्कुल भी? हाँ खिलौना है ये, खिलौना दिखता है जो तुम इससे खेल रहे हो। कोई नहीं खेलेगा इससे, समझ गए हमारी बात को? कोई नहीं खेलेगा इससे, ये हमारा जिम्मेदारी है। हट, वो भी हम ही उठाए। संतू उठा। क्या उठा कि फोन के पास ले? अरे अरे अरे, क्या क्या पगला गई हो? हमें क्या उठा रही हो? फोन उठा ऐसा कह रहे हैं हम? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात हसीना मैम से हो सकती है प्लीज? आप कौन बोल रहे? आप मेरी बात हसीना मैम से करा दीजिए प्लीज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं उन्हें सब बता दूंगी, आप प्लीज मेरी बात उनसे करा दीजिए प्लीज। हाँ, अब आप घबराइए मत, हम आपका बात कराते हैं। चलो सीना मलिक से कोई बात करना चाहता है, बहुत घबराई हुई लग रही है, तुम संभालो। हेलो हाँ कौन? हसीना मैम मैंने सुहासिनी बोल दी, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं मैडम, आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए, ये लोग किसी भी वक्त मेरे पे अटैक कर सकते हैं, प्लीज आ जाइए। हाँ तो अपना लोकेशन बताओ, हम तुरंत आते हैं। हाँ मैडम मुझे पता नहीं मैं किधर हूँ, पर ये इधर बहुत सारी ना गाड़ियाँ लगी हुई है, मैं उनमें से एक गाड़ी के पीछे छुपी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, घबराओ मत, हमें बताओ आसपास कोई लैंडमार्क होगा, कोई बिलबोर्ड होगा, कुछ तो होगा। हाँ मैम यहाँ पे ना अपोजिट रोड में ना एक नेता के इलेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ना अभिनंदन मायानगर वासियों लिखा है मैम, आप आ रही है प्लीज। हाँ ठीक है, एक काम करो, हम तुम्हें एक मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उस पे फोन करो, हम वहीं से तुम्हें ट्रैक करेंगे और हम पहुंच जाएंगे तुम तक। ठीक है ओके, लिखो। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। या गुड मॉर्निंग जी, कहिए। आई एम बुद्धदेव, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ म्यूजियम से, हम मम्मी लेने आए। हाँ हाँ ले जाइए ले जाइए, जितनी जल्दी हो सके ये मम्मी यहाँ से लेके जाइए। ओके एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए। होल्ड, पुष्पा जी थोड़ा आईडी वाईडी तो चेक करो। अरे वाह संतो, हमारे अंडर बहुत अच्छे से ट्रेन हो रही हो तुम। एक मिनट, हम
माँ इधर है। देखिए पूरा मत मानिएगा, हम आपका आईडी कार्ड देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ हम चेक करते हैं, हम इनको टीवी में देखे हैं। टीवी में आप कुछ अलग लग रहे थे और इसमें कुछ अलग लग रहे हैं बुद्धिजीवी जी। अच्छा दिखाओ। नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन मिस्टर चीता। चीता चतुर्वेदी। चतुर्वेदी क्या है, आपने मुझे टीवी पर स्टूडियो की लाइटिंग में देखा और यहाँ पर ये ओरिजिनल लाइटिंग, एक जैसे कैसे लग सकते? हाँ सुहासिनी, तुमने जो लैंडमार्क बताया था ना, वहाँ पर हम तुरंत पहुँचने ही वाले हैं 2 मिनट में। तुम बताओ कि तुम कहाँ हो? आप मायर नगर पहुँच गए ना मैडम। तुम टेंशन मत लो, बहुत पास में, तुम्हारे बहुत पास में, अब पहुँच गए बस। वो दिखा के आगे 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 वहाँ पे, यहाँ पे दस्तखत कीजिए। तो क्या अब हम इसे ले जा सकते हैं? हाँ हाँ ले जाइए, कम ऑन फास्ट। हेलो सुहासिनी, हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ रास्ता खत्म हो चुका है, आगे बस एक खाली मैदान है, तुम कहाँ हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आप इस टेस्ट पे पूरे नंबर से पास हो गई हैं। हाँ? का मतलब? मतलब कुछ नहीं, बोर हो रही थी ना, खाली थी, तो सोचा हमारे शहर की पुलिस देखा जाए कितनी एफिशिएंट है। क्या है ना, अगर इन फ्यूचर मुझे महिला पुलिस थाने की जरूरत पड़ गई तो वो समय पे पहुंच पाएंगी या नहीं, बस यही चेक कर रही थी। वैसे मैं ठीक हूँ, अपने घर पर हूँ और मजे से हूँ, और आप इस टेस्ट पे पास हो गई है, मुबारक हो। थैंक यू मैम। तुम हेलो हेलो हेलो, ऐसे टोपा लोगों की वजह से जरूरतमंद लोग, जिनको सच में जरूरत होता है पुलिस का, तो पुलिस टाइम पे नहीं पहुंच पाती, इनकी वजह से। इसकी हिम्मत कैसे हुआ ऐसे करने का? नहीं 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 नहीं, सटक संधि, मेरे को लग रहा है मेरा ना दिमाग का सिग्नल बोल रहा है कि ये इसके पीछे की वजह कुछ और है। क्या वजह? मेरे को लगता है कि ये प्लान है। क्या? कैसा प्लान? अपने को हटाने का। क्या? अरे थाने से हटाने का, और किधर से? काहे लेकिन काहे? चल चल रास्ते में बताती हूँ, चल 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 थाने घूम, चल चल चल। पुष्पा जी, चीता, मम्मी लेने आया था कोई? हाँ आए थे और लेकर भी चले गए। आप लोगों ने आईडी वगैरह सब कुछ ठीक से चेक किया? हमें पूछ रही हो? हाँ, हम कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं, और वो भी हेड कांस्टेबल। मम्मी वही गई है जहाँ उसे जाना चाहिए था, एकदम जिम्मेदार हाथों में। संभल कर माँ। आप लोग रुकिए। जी कहिए। मैं बुद्धदेव, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विभाग की तरफ से है। ये रहा ऑर्डर, हम यहाँ पे मम्मी ले जाने आए हैं। इसको शायद पता भी नहीं है कि जो असली बुद्धदेव आर्कियोलॉजिस्ट हाँ भाई, वो मम्मी को लेकर चला भी गया है। क्या? हाँ तो मैं ही बुद्धदेव हूँ, सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ये रहा मेरा आईडी। अब आप शराफत से मम्मी देते हैं या मैं हायर अथॉरिटीज को कंप्लेंट करूं? कहाँ है मम्मी? आप असली है तो मतलब मम्मी तो कोई और लेके गया। क्या? आप लोगों के संज्ञान में तो होगा इजिप्ट से मम्मी आने वाली थी। अब पता नहीं ये बात कैसे वायरल हो गई। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप फौरन एयरपोर्ट पहुंचिए और मम्मी को दूसरे वाहन से सुरक्षित अपने थाना ले जाइए। मम्मी को किस थाने में ले जाया जा रहा है, ये पुलिस वायरलेस को हैक करके हमें बड़ी आसानी से पता लग गया। महिला थाने से कुछ लोग प्राचीन और ऐतिहासिक मम्मी उठाकर ले जाते हैं और पुलिस खुद पूरे सम्मान के साथ उन्हें टाटा बाय बाय करती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये काम भी
चिंटू और चिंकी नाम की उसी ठग जोड़ी का है जिन्होंने इससे पहले भी कई बड़ी ठगी और कई बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी बड़ी चोरियों के बाद भी किसी भी स्टेट की पुलिस आज तक इन्हें पकड़ नहीं पाई है। क्या मम्मी जैसी बेशकीमती नेशनल ट्रेजर लेकर के दोनों गायब होने में कामयाब हो जाएंगे? कैसे कैसे कर सकती हैं आप लोग इतनी बड़ी गलती? हम सब जानते हैं सर, हमने इस काम के लिए अपने डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स लगाए हुए थे सर। बेस्ट ऑफिसर्स? ये हैं आपके बेस्ट ऑफिसर्स जिन्हें उन्हीं के थाने में आकर कोई भी चलता फिरता टक्कर चला जाता है? क्या जवाब दूंगा मैं मीडिया को, देश को और देश की जनता को? पिंकू जी सर, मीडिया को अंदर बुलाइए सर। तो क्या लगता है सर आपको, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, हमें जिम्मेदार है, हमारी ही गलती है सारी। हमने डीएसपी साहब से कहा कि मम्मी आ रही है। तो आप अच्छे से सक्षम मजबूत सुरक्षा अधिकारी भेज दीजिए। तो डीएसपी साहब ने भेज दिए महिला सुरक्षा अधिकारी। शायद हम ही नहीं समझा पाए डीएसपी साहब को इस मामले की गंभीरता, कि ये काम औरतों के बस का नहीं है, किसी मर्द अधिकारी को भेजे। जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरतें कर ही नहीं सकते। और ये बात हसीना मलिक और करिश्मा सिंह ने साबित कर दी कि औरतें औरतें हैं और मर्द मर्द। तो अब आगे प्रशासन की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, एक बात तो तय है कि अब इस केस को कोई भी महिला अधिकारी तो हैंडल नहीं करेगी। आपका फोन आया। लाइव है पिंकू जी, हम उठा लीजिए सर, वरना ये लाइव नहीं रहेंगे। देखिए किसका है। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ मैडम जी, कैसी हैं आप? सब कुशल मंगल पे है ना? महाकाइयां, आपको तो पता ही है नेता जी, या भूल गए? अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हम जब भी बाहर आते थे आप ही तो उठाकर वापस हमें अंदर डालती थी। आप ही की कृपा से जेल के आधे पेड़ हमी ने तो लगाए हैं। पेड़ों के साथ साथ अगर अपनी यो लंबी सी जबान पे लगाम लगा लेते ना नेताजी, तो बढ़िया रहता। पर आपका के है, माइक हाथ में आया नहीं, आप अपने आप को समझने लग गए परफॉर्मर। जो मन में आया, जो जबान में आया, बकते चले गए। जैसे कि अभी अभी मैंने देखा टीवी पे, कितनी बेइज्जती करी आपने हमारी। ना ना, हम आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो तो हम औरतों के बारे में बोल रहे थे। ओहो, आई एम सो क्यूट, मैं भूल ही गई, मैं तो एलियन हूँ, मैं तो औरत हूँ ही नहीं। मैडम, मैंने तो ऐसे ही सामान्यता औरतों के बारे में बोला था, आपके बारे में थोड़ी बोला था। ओ नेता, सबसे पहले मैं एक औरत हूँ और किसी भी औरत का अपमान हमारा अपमान है। मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मीडिया भी यही मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं सबके सामने जाके माफी मांग लेता हूँ। बात थारी ना है, बात है थारे जैसे लाखों लोगों की घटिया मानसिकता की, जिन्होंने सदियों से औरतों को कमजोर, नाकाबिल और नॉन डिजर्विंग समझ रखा है। और तुमने क्या कहा कि यो केस इब कोई महिला अधिकारी साल्व ना करेगी? तुम्हारी बात सुन ले नेता, कि इब अगर यो केस सॉल्व होगा तो इसे एक महिला अधिकारी ही सॉल्व करेगी। मैं खुद अभी पूरे मीडिया के सामने जाकर अनाउंस करता हूँ कि अब ये केस चंद्रमुखी चौटाला जी देखेंगे। किससे कहना है कह दो जाके, चंद्रमुखी चौटाला इज कमिंग। आज इतना स्पेशल दिन है, आज वो आ रही है, मैं यकीन कैसे करूं, मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूं। आज वो आ रही है, आज वो आ रही है, आज वो आ रही है। संत जी, आप क्यों ऐसे मोर बन के नाच रही हैं, क्या खुशी का बात है बताइए? क्योंकि चंद्रमुखी चौटाला जी आ रही है। हाँ, अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। चुटी काट पहले। इस बात पे आप चींटी तो डिजर्व करती हैं। सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे पता है, मुझे क्या डर लग रहा है कि वो सामने आएंगे तो मैं बेहोश तो नहीं हो जाऊंगी? संतु जी, अगर आपको बेहोश होने का मन करे ना तो आप बेहोश होकर गिर जाइए। हम
चीता चतुर्वेदी है ना आपको संभालने के लिए। हम तो कहते हैं ना कि आप अभी बेहोश होकर प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी बेहोश होकर गिरिए 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 बेहोश होकर गिरिए, हम संभालेंगे। एक सेकंड, वो कितने देर में आ रही है? कितने देर में आ रही है ये तो हमको पता करना पड़ेगा। हाँ हम पता करते हैं। अरे अरे कहाँ है ये सब? क्या है ये हार है, चौटाला मैडम आ रही है ना, तो क्या उनका स्वागत नहीं करना है क्या? तो स्वागत में इतना सब फूल वूल लेकर आ गए हैं? हाँ, नॉर्मल स्वागत नहीं होता है क्या लोगों का? आ गई मुद्दे पे आ गए। अरे चौटाला मैडम है वो हमारी सीनियर, हमारे पुलिस फोर्स के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। अरे कितने सारे लोगों के लिए तो वो प्रेरणा स्रोत है, और आप भी तो कितना मानती हैं उन्हें, आप भी तो प्रशंसक हैं, आप खुश नहीं है वो आ रही है तो? आपको पता है वो किस लिए आ रही है यहाँ पर? हमने जो कलंक लगाया ना हमारे थाने पे, उसको साफ करने के लिए कोई और आ रहा है, हम नहीं साफ कर पाए, सोचिए ये खुशी का बात है? अरे चटक चांदनी, काय के लिए इतना लोड ले रही है? फाइनली ये केस एक औरत ही सॉल्व कर रही है ना, कोई मर्द तो नहीं आया बीच में अपनी टांग अड़ाने को, तो फिर काय को इतना लोड लेने का है कि नहीं? मैडम 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 खंडाला मैडम आ गई, संतु जी आराम से, संतु जी आराम, चलो संतु जी। आओ, अबे कितना टाइम लग रहा है, इतनी फुटेज तुम ले लोगे तो हम क्या है यहाँ टीवी सीरियल की शूटिंग करने आए हैं? मैडम जहाँ आपने बोला था पहुंचा दिया, अब हम जाएं? अरे ऐसे कैसे जा सके, पहले यो तो बताओ कि फ्लाइट से लेकर यहाँ तक मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी को धक्का क्यों लगवाया? क्योंकि फ्लाइट में हमसे आपको धक्का लग गया था मैडम। वेरी गुड, तो यो बताओ कि इस पूरी धक्कमपेल में तुमने क्या सीखा ना मैडम? सीखा कि अब फ्लाइट में कितनी भी जल्दी हो चंद्रमुखी चौटाला को धक्का नहीं मारना है। गलत जवाब, चलिए थारी बारी। यही कि कहीं भी हो किसी औरत को धक्का नहीं मारना है। वेरी गुड, औरतों के संग बदतमीजी धक्का नहीं करना है, तो औरतों की इज्जत करनी चाहिए, औरतों से तमीज से पेश आना चाहिए। वेरी गुड, लेसन लर्न। इब दोबारा ऐसा कुछ भी किया ज्यादा छेड़ू बने तो गाड़ी को ना उड़ते हुए प्लेन को धक्का लगवाऊंगी, समझे? मैडम, बोलिए, आपको क्या लगता है कितने दिनों में केस सॉल्व कर लेंगी आप? मन ने बहुत अच्छा लगता, नहीं सॉल्व करने को तो मैं 2 घंटे में केस सॉल्व कर दूं, फिर तुम लोग कहोगे कि पुलिस काम ना करती, मेहनत ना करती, है ना? तो अभी तो लैंडेड हुए हैं हम आपके शहर में, थोड़े कबाब वबाब खा लें, थोड़ी मेहनत कर लें, केस भी सॉल्व कर देंगे, और जब कर लेंगे तो तुम आ जाना। तब तक वो देखो तैमूर का भाई चलने लगा, जाओ उसकी फोटो लो जल्दी, बहुत क्यूट है वो। हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग एंड पुष्पा सिंह रिपोर्टिंग। यू ओके? बिल्कुल ओके नहीं है मैडम, हमारी गर्दन अकड़ गई है। जो हमारे सामने अकड़ाते हैं उनकी अकड़ और वो खुद गायब हो जाते हैं। ईब ओके? डी तुम नम करके डरेगा, डी तुम
नम तेरे इधर 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 था दी एकदम ओके हो गए नम बहुत बढ़िया मैडम बहुत बढ़िया साथ दिए के मारी नहीं नहीं आपका स्वागत कर रहे हैं हम तो यो हार उन्हें पहनाइए जिन्हें हार का शौक हो हमें तो जीत का शौक है हमारे लिए चाय बोलो हाँ हाँ बोलते हैं आइए मैडम आइए 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 हम सबसे आपका परिचय करवाते हैं कोई जरूरत ना है अलाउ मी मैं सबका इंट्रोडक्शन कराती हूँ ये तो वर्ल्ड फेमस चल रहे हैं पूरे मार्केट में हसीना मलिक SHO इमोशन का होलसेल भंडार मतलब केस कोई भी हो कैसा भी हो जज्बात से सॉल्व करती हैं हमारी इन हाउस निरूपा राय जी नमस्कार करिश्मा सिंह हड्डी तोड़ स्पेशलिस्ट मतलब पूरे एरिया के जितने अस्पताल हैं इन्हीं के रहमो करम पर चल रहे हैं वरना ताला लग गया होता उनमें अपराधी खत्म अपराध खत्म यो ही ना रहा है ना आपका मैडम नाइस ओहो क्या नाम अपना हाँ संतोष शर्मा इन्होंने मेरा नाम लिया साइबर स्पेशलिस्ट सिंगाड़ा खा के दिमाग घना आड़ा चले इसका इनको किसने बताया हम नहीं भाई बाकी सबका तो मन ने बेरा है पर यो कौन है गेस्ट अपीयरेंस फेस इधर यो जो लीकेज हो रही है ना थारे गालों की फुलाई से जो देख के मन में आभास हो रहा है कि कहीं भी मेट नो नो कहीं भी वी मेट नॉट अबे दिखा तो सही ये लीजिए सुपर थानेदार के लिए बदनाम स्पेशल चाय अच्छा स्पेशल चाय वेरी गुड घनी क्रेविंग हो रही थी वरना यहाँ तो किसी ने पूछा नहीं कि कुछ खा पी लो और यो कौन है हम इनकी दुकान के 50% शेयर होल्डर हैं इकबाल नाम उधर बिरयानी की दुकान भी हमारी अच्छा इसे चाय कहवे अबे इसे नागिन पी ले तो फड़फड़ा के मर जाए तभी दिमाग काम ना कर रहा इन सबका ना तू जिंदा कैसे है ऐसी बिच्छू के जहर वाली चाय पिला के कोई थारे कलेजे में छुरा कैसे ना घोप गया इवन एनकाउंटर कर दूं इससे पहले निकल यहां से मीका बोलते हम कह रहे हैं कि मैम आप यहाँ आई हमें बहुत बहुत खुशी है तहे दिल से इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर और अब हमें उम्मीद है कि आप आ ही गई हैं तो हम मिलकर इस केस को बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे एक मिनट क्या है साथ मिलके एक बात मैं पहले ही यहाँ क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में कि ये साथ मिलके कीकली करें आओ बहन चुगली करें इज नॉट माय स्टाइल केस सॉल्व होगा लेकिन केस मैं अकेले सॉल्व करूंगी आप लोगों की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए स्पेशली उन लोगों की जिन्होंने महिला पुलिस थाने की छवि को उसके रुतबे को कतई धूमिल करा है मैंने क्या किया पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ऐसा नहीं है वो का है कि मैं बात कर रही हूँ ना बोल रही हूँ मैं या इतनी भी तमीज किसी ने ना सिखाई कि जब सीनियर बात कर रहा है तो बीच में एकदम बालक की तरह नहीं घुसे चले आते जब तक मैं इंस्ट्रक्शन देना खत्म ना करूं कोई बीच में नहीं बोलेगा इज इट क्लियर यस मैम मैं यो नहीं कह रही हूं कि आप लोगों ने कोई मेहनत ना करी करी है आप लोगों ने घनी मेहनत करी है केस सॉल्व करें एक नहीं कई आप लोगों ने लोगों की मदद करी है उनके दिल जीते हैं उनका विश्वास जीता है लेकिन एक गलती इंसान के अच्छे अच्छे कर्मों पर पानी फेर देती है और यो जो दुनिया बैठी है ना बाहर यो आपकी सच्चाई ना देखती आपकी अच्छाई दुनिया देखती है मौका
जहां आप एक गलती करें और फिर वो आपको आजीवन यो सुनाते रहेंगे कि आप पे भरोसा करके उन्होंने गलती करी। जैसे कि हमने यो महिला पुलिस थाना खोलकर गलती करी। इसलिए यो केस सॉल्व होने के बाद यो महिला प्रधान पुलिस थाना मैं खुद बाइंड अप करके जाऊंगी। डिसमिस, जाओ ढंग की चाय पियो जाके बाहर। रुकिए, हम तो गोलगप्पा देवी, आपकी मदद लगेगी मन्ने इस केस में, करेंगी मदद? हाँ हाँ मैडम, जरूर करेंगे मदद। वैसे आपने सोचा क्या है, बताइए हमें, कहाँ से शुरुआत करेंगे मम्मी ढूंढने की? ढूंढना क्या है, यो तो री मम्मी, मम्मी। मैं तो अभी तक पापा नहीं बना हूँ, माँ, इनको मम्मी कहाँ से दिखे? हाँ, वैसे कौन से एंगल से ये मम्मी लगेगा? अरे लगेगा नहीं तो लगवाइए पुष्पा जी, कोई पट्टी खोल के अंदर चेक नहीं करेगा कि अंदर मम्मी है कि पप्पू, मतलब पप्पा। इब तो फिर पार्ट कर यू बेटिंग भात, क्रिसमस काम पे लगो। चलो चलो चलो, ये तो मारे वालों से भी गए कुतरे यार। हो गया हो गया हो गया हो गया, अभी जा दिखा कितना प्यारा लग रहा है हमारा बिल्लू। इधर इधर दिखा। छेड़ो मत उसे। अंदर मैं बहुत टाइम से रहूंगा ना, हाँ? तो मेरा टाइम पास कैसे होगा? क्या करें? ये अरे हाँ। छोड़ो अंदर, जा। ओके ऑल ऑफ यू, मत कर दो। हाय, जा। मिशन ऑन मम्मी, बिल्लू द स्पाई, भागना। जा, जा। रखिए रखिए, आराम से, आराम से, नहीं नहीं, पीछे पीछे। अरे पूछो, अरे क्या कर रहे हैं आप? आप मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। जैसा समझाया है वैसे ही बोलना, ओवर एक्टिंग मत करना। मैडम, क्या हम जान सकते हैं कि इस कॉफिन में क्या है? भाई देखिए, जिसका काम उसको साजे, है ना? तो आर्कियोलॉजिस्ट आप यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे। इजिप्ट से एक नहीं, दो मम्मी आई थी, ये वही दूसरी मम्मी है। सर, ये कौन सी मम्मी, इसकी क्या हिस्ट्री है? बहुत ही पुरानी और प्यारी हिस्ट्री है इस मम्मी की। ये और इसकी रानी, वो दूसरी मम्मी जो चोरी हो गई, उन दोनों में बहुत प्यार था। दोनों ने इजिप्ट के महलों में कई डुएट्स भी गाए थे, पर किस्मत में इनका मिलन मंजूर नहीं था। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? यार तुम मीडिया वाले ना, तुम्हें ऐसा क्या हो गया, फ्यूचर में क्या हुआ, पास्ट में क्या, एक्स में क्या, कंट्रोवर्सी में क्या? अबे एक था राजा, एक थी रानी, दोनों में थी लव कहानी। इव इससे पहले कि राजा अपनी रानी को मम्मी बना पाता, रानी जो थी उसकी एक काइया मम्मी थी, समझ रहे हो? होती है किसी किसी की, सबकी अच्छी होती है, किसी किसी की निकलती है काइया। तो वो जो काइया मम्मी थी, उसने इससे पहले कि वो अपनी रानी को मम्मी बनाए, राजा को मम्मी बना दी, समझ रहे? और इस गम में वो जो रानी थी, जो कतई मम्मी बनना चाह रही थी, वो सदमे में आकर खुद भी मम्मी बन गई। तो समझ रहे हो, मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है, ये कोई और समझा नहीं पाएगा, कि जो रानी है जो मम्मी बनना चाहती थी वो मम्मी बन गई, क्योंकि रानी की मम्मी ने राजा को मम्मी बना दिया, और राजा जो डैडी बनना चाहता था वो मम्मी बन गया। तो इब राजा, रानी, डैडी, मम्मी, सिर्फ मम्मी मम्मी बन गए। उनमें से एक यहाँ है, एक चोरी हो गया, यानी कि रानी, मम्मी, चोरी। क्लियर? का बोले जा रही है, का चल रहा है इनके दिमाग में? क्या मालूम, इसके दिमाग में घुस के जाके देखना पड़ेगा अभी। हाँ हाँ का कुछ नहीं, इब आप लोगों को हमने यहाँ क्यों बुलाया है यो मैं बता दूं। आप लोगों के जरिए से हम चाहते हैं कि जिस किसी ने दो प्रेमियों का जोड़ा, यानी कि राजा मम्मी और रानी मम्मी को अलग किया है, रानी मम्मी को चुरा के राजा मम्मी को लोनली कर दिया, वो चोर
ये बात समझ ले कि दो प्रेमियों को अलग करना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो ऐसा भीषण क्रूर पाप करने वाला तुझे जो है बहुत बैड कर्मा होगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि यो जो रानी मम्मी है और वो जो राजा मम्मी है दोनों को अलग ना किया जाए, मिला लिया जाए। तो ईव जो चोर है उसके पास भला कर्म टू अर्न सम गुड कर्मा एक कोई चांस है, वो यो कि 24 घंटे के अंदर या तो तू आ जा रानी मम्मी को लेके इससे मिलाने, या इस राजा मम्मी को लेके जा। और जो तू ना आया और मुझे आना पड़ा तो मन में कष्ट होगा, बिकॉज आई डोंट लाइक वर्किंग टू हार्ड दीज डेज। और अगर मैं आ गई तो मन में हो जाएगी तकलीफ, और फिर मैं थारा घंटा बना के घंटा घर पे टांग दूंगी, जिसे हर कोई आवन जावन करने वाला ना बजा के जाएगा। इट्स अ फैमिली डिस्कशन, इसलिए मैं ज्यादा कह नहीं पा रही हूँ, बस यो संदेश है, यो दे देना। चोर ईप तू समझ जा, क्योंकि इसके बाद मैं समझाऊंगी नहीं। एक और मम्मी, मतलब डबल प्रॉफिट। चलो इसको भी साफ कर देते हैं। हाँ इसको भी साफ कर देते हैं, हलवा है ना। इस बार मम्मी साफ करने गया ना तो खुद साफ हो जाएगा दुनिया से। तुझे पता भी है चंद्रमुखी चौटाला है कौन? मैंने पता किया है, आफत है आफत, कुत्ते की तरह मारती है। भूल जाए मम्मी शम्मी। हाँ तो तू भी भूल जा पैसे। ये मम्मी जोड़े में आई है इजिप्ट से, राजा और रानी। खाली रानी कौन खरीदेगा? जो भी खरीदेगा जोड़े में खरीदेगा ना। ये रानी की मम्मी हमारे लिए पैर की चप्पल की जूती की तरह है, टोटल वेस्ट, कोई फायदा नहीं है इसका। ये मम्मी बेचनी है तो दूसरी मम्मी लानी ही होगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है। देख चिंटू, मैं और रिस्क नहीं ले सकती हूँ, हमें यहाँ पर कुछ दिन छुप के रहना ही पड़ेगा। और मुझे इस मैटर पे कोई बहस नहीं चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, बात खत्म। नहीं मतलब क्या चाल चली है उन्होंने? चोर यहाँ आएंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है, और नहीं आएंगे तो उनके पास जो मम्मी है वो हो जाएगी यूजलेस, क्योंकि सिंगल मम्मी को तो कौन खरीदेगा, है ना? उनकी कीमत तो जोड़े में ही है, ऐसे थोड़ी ना हर कोई उनका फैन है। गजब, क्या समझाई है आप। वाह क्या बात है सिंगाड़े, एक नंबर। चला बहुत हो गया, सब बढ़िया है। तो मैं जाती है, मेरे को करने का है पैकिंग, क्योंकि परसों सुबह की ट्रेन लेके जाएगी मैं सीधा मुंबई। मतलब आपका याद आएगा, याद आएगा। मेरे को भी तेरा बहुत याद आएगा दादी, लेके चलूं क्या तेरे को साथ में? संतु जी क्या करेगी? चला ओके बाय। एक मिनट, क्या बकवास है ये? देख खाने पे लगने वाला है ताला, ऐसा ही बोली थी घोटाला। चौटाला, घोटाला क्या बोल डाला चिकने। तो अभी मैं इधर रुक के क्या करूँ, अब उनका काम खत्म ना। एक मिनट, हमारे थाने पे कभी भी ताला नहीं लग सकता है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग बोल के गए कि हमारे थाने पे ताला लग जाएगा, लगा क्या आज तक? नहीं लगा ना, तो इस बार भी नहीं लगेगा। अच्छा और क्या करने वाली है उसके लिए? बहुत कुछ कर लेंगे, अपने थाने को बंद होने से रोकेंगे हम, किसी भी हद को पार कर देंगे, लेकिन अपने थाना को बंद नहीं होने देंगे, समझे तुम? कैसे? सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, कुछ प्लान बनाएंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन थाना बंद नहीं होने देंगे। वैसे एक रास्ता है अपन के पास, पर तुम लोग मानोगे नहीं। कैसा रास्ता? कौन सा रास्ता? और नजीक का बताती हूँ। सुन इधर, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा अभी सुना, देखो जब तक ये चौटाला इधर है तब तक तो कोई इसके पास से वो मम्मी चुरा कर जाने की हिम्मत करेगा नहीं। अपने पास है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का टाइम। तो अगर ऐसा कुछ हो कि अपन सभी खुद मिलकर चौटाला की नाक के नीचे से वो मम्मी चुराए और मम्मी के जरिए उस चोर तक पहुंचने की कोशिश करे तो बेहतरीन। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम चोरी करें? हम अपने थाना में चोरी करें और चोरी जैसा इतना बड़ा अपराध करें? अरे यार ये आइटम का क्या दिक्कत है लाइफ, मेरे को समझ में नहीं आता। रे इसके अंदर एक तो ना हसीना मलिक ठीक से अंदर घुसी नहीं है, और खुद के अंदर की जो करिश्मा सिंह है ना वो फुल बाहर आई नहीं है। इसके अंदर पूरा अंदर खिचड़ी चल रहा है, खुद से ही लड़ती रहती पूरा टाइम। अभी देख तेरे को, तू बता तेरे को क्या करने का है? तेरे को थाना बचाने का है या ईमानदारी का झंडा लेके घूमने का है? हाँ ठीक है, तुम जो कह रही हो हम वो करेंगे, हम चोरी करेंगे। नक्की उधर जाके बाद में पलटी ना तो मेरे दिमाग का मंजीरा हो जाएगा। नहीं तुम्हारे दिमाग का मंजीरा नहीं होगा, हम चोरी करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने मम्मी चुराने का आइडिया तो दे दिया है,
पर चंद्रमुखी चौटाला को चकमा देना इतना आसान नहीं होगा।